इस वीडियो को देखो। ये बंदा कोई व्लॉग नहीं बना रहा, बल्कि वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरह वो टॉयलेट पहुंच पाए। और ये बहुत ही कॉमन चीज है इंडियन ट्रेन्स में। 17 अक्टूबर 2022 को मानो अरविंद चौहान का एक बुरा सपना सच हो गया। वो टाइम्स ऑफ इंडिया में एक राइटर है और पढ़ रहे थे कि कई बार इंडियन ट्रेन्स कितनी बदबूदार, ओवरक्राउडेड और स्लो होती है। तो उन्होंने कहा कि वो खुद क्यों ना एक्सपीरियंस करें एक जनरल कंपार्टमेंट में जाकर। इसीलिए उन्होंने बुक करी पटना कोटा एक्सप्रेस लखनऊ से मथुरा जाने के लिए। अरविंद ने कहा कि उनको कभी ट्रेन जर्नी में उल्टी नहीं आई, पर ये भी इस जर्नी में चेंज हो गया। कंपार्टमेंट में एकदम टॉयलेट की बदबू आ रही थी और दीवारें मानो पान की थूक से लटपट थी। टॉयलेट्स क्लॉग थे और ओवरफ्लो कर रहे थे और वॉश बेसिन्स मानो एक क्राइम के सीन की तरह दिख रहे थे। इसके साथ ही साथ कंपार्टमेंट का फ्लोर डस्टबिन की तरह यूज किया जा रहा था। लाइट और फैन तो ऑन थे, पर उनके जहां स्लीपर कोच के कंपार्टमेंट में 72 लोग होने थे, उधर थे 90 से भी ज्यादा लोग। बैठने की बात तो छोड़ो, उधर हिलने की भी जगह नहीं थी। अरविंद ने कहा कि ये एक्सपीरियंस उनका सबसे खराब एक्सपीरियंस था किसी भी ट्रेन जर्नी का। और अरविंद अकेले नहीं है, हर दिन 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग इंडियन ट्रेन्स को यूज करते हैं, जिस वजह से उनको हमारे देश की लाइफलाइन कहा जाता है। पर सालों से ट्रेन्स की कदर नहीं हो रही है, जिसकी वजह से एक ट्रेन बदबूदार, ओवरक्राउडेड और स्लो हो गई है। पर इन तीनों प्रॉब्लम्स के पीछे कारण क्या है, इसी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में। ओवरक्राउडिंग इंडियन ट्रेन्स में कई समय से एक बड़ी प्रॉब्लम है। वो देखो भीड़ कैसे लटकी पड़ी है, ये देखो खतरनाक, ये देखो। ये सिचुएशन जनरल कंपार्टमेंट्स में और भी बुरी है, क्योंकि कई बार उन कंपार्टमेंट्स में अनडिजर्व टिकट्स होती हैं। अब इंडियन ट्रेन्स का मैं आपको सिस्टम समझाता हूँ। ऑन एवरेज एक एसी फर्स्ट क्लास कोच में 18 से 24 बर्थ होते हैं, 2 टीयर एसी कोच में करीब 50, 3 टीयर एसी में करीब 70 और स्लीपर कोच में करीब 80। अब अनरिजर्व कोचेस में 90 लोग ट्रैवल कर सकते हैं, पर उधर 90 नहीं, कई बार 180 लोग होते हैं। अगस्त में इंडियन रेलवे ने रीजनल अथॉरिटीज को बोला कि वो रिजर्व स्लीपर कोचेस को कन्वर्ट कर दे अनरिजर्व ओपन सीट्स के कंपार्टमेंट में, ताकि ओवरक्राउडिंग कम हो जाए। पर इसके पीछे कारण क्या है? 2005 में इंडियन रेलवे में एसी बर्थ 23% थी और स्लीपर क्लास बर्थ 77%, पर 18 सालों में ये नंबर्स बहुत बदल गए। 2023 में स्लीपर बर्थ 46% हो गई है। इंडियन रेलवे कई समय से स्लीपर या फिर सेकंड क्लास कोचेस को रिप्लेस करके उधर एसी कोचेस डाल रही है। जैसे इस साल मई में मैंगलुरु सेंट्रल रेलवे स्टेशन की 4 ट्रेनों ने एक स्लीपर कोच को रिप्लेस किया एक एसी 3 टीयर इकोनॉमी क्लास कोच से। कुछ महीने बाद 3 अलग ट्रेन्स ने एक जनरल सेकंड क्लास कोच को हटाकर उधर डाल दिया एक एसी 3 टीयर इकोनॉमी क्लास कोच। अब हमारे देश में कई लोग एक एसी कोच को अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि रेलवेज ने उनकी क्वांटिटी कम कर दी है पिछले सालों में। जहां पहले करीब 24 कोच की ट्रेन में 4 जनरल कंपार्टमेंट होते थे, अब बस उधर 2 बचे हैं। जनरल कंपार्टमेंट को रिप्लेस करके 3 टीयर एसी कोचेस डाले गए हैं, जो इंडियन रेलवेज के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है। ये चीज सेंट्रल, नॉर्दर्न और वेस्टर्न रेलवे जोन में ज्यादा हुई है सदर्न और ईस्टर्न जोन के मुकाबले। अब एसी कोचेस की टिकट 3 से 4 गुना ज्यादा एक्सपेंसिव हो सकती है जनरल कंपार्टमेंट की टिकट से। इसके अलावा पैंडेमिक के बाद इंडियन रेलवे ने जनसाधारण ट्रेन भी डिसकंटिन्यू कर दी है। 2002 में ये ट्रेन इंट्रोड्यूस हुई थी जो पूरी तरह अनरिजर्व थी और पैसेंजर्स एक जनरल टिकट से इन ट्रेन को बोर्ड कर सकते थे। इन ट्रेन का ऑब्जेक्टिव था कि वो हमारी पब्लिक को एक अफोर्डेबल तरीका देंगे ट्रैवल करने का, ऐसे लोगों के लिए जो रिजर्व ट्रेन्स पर ट्रैवल नहीं कर सकते। अब क्योंकि इन ट्रेन्स के टारगेट कस्टमर्स लो इनकम माइग्रेंट वर्कर्स थे, तो जो टिकट के प्राइसेस थे वो भी कम थे, पर इसकी वजह से ये ट्रेन्स रेलवेज के लॉस मेकिंग थी। पर इवेंचुअली रेलवेज ने कहा कि वो इन ट्रेन्स को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो अफोर्डेबल कंपार्टमेंट से ट्रेन्स में वो भी कम हो रहे हैं। इसके अलावा जनसाधारण ट्रेन भी हटा दी गई, जिसका अंजाम यह कि जो बचे कुचे जनरल कंपार्टमेंट है इंडियन ट्रेन में, उधर भीड़ ज्यादा जाने लगी है। पर इधर तक प्रॉब्लम सीमित होती तो समझ आ जाता। ये कोई दंगे का वीडियो नहीं है। 14 नवंबर को एक स्पेशल ट्रेन अरेंज करी गई थी दिवाली और छठ के पैसेंजर्स के लिए, पर सडनली इस ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया। ये पैसेंजर्स बेचारे माइग्रेंट वर्कर्स थे, जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे और अब कोई तरीका भी नहीं था अपने घर जाने का दिवाली के लिए। वो इतना गुस्सा हो गए कि स्टेशन में उन्होंने बवाल मचाना स्टार्ट कर दिया। आप बोलोगे कि मोहक दिवाली और छठ तो वन टाइम इवेंट है, ये हर बार ऐसा नहीं होता, पर इंडियन रेलवेज ने कहा है कि पिछले 4.5 सालों के दौरान 1 लाख से ज्यादा मेल और एक्सप्रेस ट्रेन्स कैंसिल हुई हैं।
यानी कि हर घंटे ऑलमोस्ट 3 ट्रेन्स कैंसिल होती है हमारे देश में। अब अगर हम 5,000 ट्रेन्स हटा भी दें जो कोविड के दौरान कैंसिल हुई थी, बचती तो 1,00,000 से ज्यादा ट्रेन्स अभी भी है। इस साल दिवाली और छठ के लिए इंडियन रेलवेज ने करीब 6,700 स्पेशल ट्रेन स्टार्ट करी थी, जो 2 गुना ज्यादा था पिछले साल के कंपैरिजन से। पर प्रॉब्लम हमारे देश में ट्रेन्स की नहीं है बल्कि ट्रैक्स की है। हम ट्रेन्स तो बढ़ा देंगे पर नई रेलवे ट्रैक्स कहाँ से आएंगी? नीति आयोग की 2018 की रिपोर्ट के हिसाब से 1950 और 2013 के बीच गुड्स और पैसेंजर ट्रैफिक 1000% से ज्यादा बढ़ा है, पर इस समय ट्रैक की लेंथ कितनी परसेंटेज तक बढ़ी है? 23। वैसे ही हमारी रेलवे ट्रैक्स पर हैवी ट्रैफिक है, इस वजह से जब स्पेशल ट्रेन्स भी ऐड होती हैं, वो उस ट्रैफिक को और बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से कई ट्रेन्स डिले हो जाती हैं और कुछ कैंसिल। इसके अलावा कई पैसेंजर और गुड्स ट्रेन्स का जो रूट है वो सब सेम है। पिछले साल कोल शॉर्टेज की वजह से इंडियन रेलवेज उन ट्रेन्स को प्रायोरिटाइज कर रही थी जो अपने साथ कोल को लेकर जा रही थी, इसकी वजह से कई पैसेंजर ट्रेन्स कैंसिल हो गई। तो जब तक रेलवे ट्रैक्स की सप्लाई नहीं बढ़ेगी, डिलेज और कैंसिलेशन का कारनामा चलता रहेगा। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है इंडियन ट्रेन्स की बुरी हालत, जो कई बार बदबूदार और कचरे से भरी हुई होती है। 2017 की रिसर्च ने दिखाया कि सदर्न इंडियन रेलवेज में टॉयलेट्स की बुरी कंडीशन टॉप 2 प्रॉब्लम्स में से एक थी उधर के पैसेंजर्स के लिए। और ऐसी समस्या रेलवे के लिए कोई नई बात भी नहीं है। 1909 में ओखिल सेन, एक रेलवे पैसेंजर, ने एक खत लिखा था वेस्ट बंगाल के साहिबगंज डिविजनल ऑफिस को। ट्रेन में टॉयलेट्स ना होने की वजह से स्टेशन का टॉयलेट उनको यूज करना पड़ा, और पता चला कि वो भाग रहे थे ट्रेन की तरफ एक हाथ में लोटा लिए हुए और दूसरे में धोती पकड़े हुए। इस नजारे के दौरान वो फिसल गए और उनकी धोती फिसल गई। ओखिल ने कहा कि वो न्यूज़पेपर्स में बहुत बड़ी रिपोर्ट छापेंगे अगर टॉयलेट का मुद्दा सॉल्व नहीं हुआ, पर 114 साल बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। पिछले साल लखनऊ कोटा एक्सप्रेस में ट्रैवल करते हुए संगीता ने लिखा कि टॉयलेट्स पूरी तरह अनयूजेबल थे और किसी को वो कंप्लेन भी नहीं कर सकती थी। उनको मथुरा जंक्शन का इंतजार करना पड़ा, जहां 15 मिनट का हॉल्ट था ताकि वो स्टेशन के टॉयलेट यूज कर पाए। 2015 के व्हाइट पेपर ने बताया था कि रेलवेज में साफ सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा है क्लॉग टॉयलेट्स का। इंडियन रेलवेज में 50,000 से ज्यादा कोचेज हैं, जिसमें से करीब 25% डायरेक्ट फ्लश सिस्टम यूज करती हैं, जहां वेस्ट डायरेक्टली रेलवे ट्रैक पर निकलता है। 75% को अपग्रेड कर दिया गया है बायोडाइजेस्टर टॉयलेट्स के साथ। अब डायरेक्ट फ्लश सिस्टम बहुत अनहाइजीनिक है, क्योंकि ह्यूमन वेस्ट रेलवे ट्रैक पर पड़ा रहता है, जिससे जर्म स्प्रेड होते हैं। प्लेटफॉर्म्स में बदबू तो फैलती ही फैलती है। इसके अलावा रेलवे ट्रैक्स की भी सिचुएशन खराब हो जाती है करोजन की वजह से, जबकि बायोडाइजेस्टर टॉयलेट्स में सीवेज टैंक्स होते हैं, जहां बैक्टीरिया ह्यूमन वेस्ट को ब्रेक डाउन करता है मीथेन में कन्वर्ट करके। पर IIT कानपुर की एक स्टडी ने दिखाया कि इन टैंक्स में बैक्टीरिया की भी एक लिमिट होती है, और कुछ टाइम बाद वेस्ट बहुत भर जाता है इन टैंक्स में, और कुछ टाइम बाद इन टैंक्स को खाली करने की जरूरत पड़ती है। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेज के जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि ऐसे टॉयलेट्स में भी चोकिंग की बहुत बड़ी समस्या होती है, और किसी तरह रेलवे स्टाफ को ये हालत ठीक करनी होती है। बायो टॉयलेट्स को करीब 5 लीटर पानी चाहिए होता है हर फ्लश के लिए, वो भी अच्छे प्रेशर के साथ, पर इंडियन रेलवेज में वाटर प्रेशर होता ही नहीं है, जिसकी वजह से कई टॉयलेट्स क्लॉग हो जाते हैं। कई बार इन टॉयलेट्स में फिटिंग्स खराब होती हैं, जिसकी वजह से पानी का प्रेशर और कम हो जाता है। जब टॉयलेट क्लॉग हो जाता है तो पूरे कंपार्टमेंट में बहुत अच्छी सी महक आती है। इसके अलावा कई पैसेंजर्स में भी सिविक सेंस नहीं है। 2017 की रिपोर्ट ने दिखाया कि टॉयलेट्स क्लॉग हो जाते हैं क्योंकि कई पैसेंजर्स बॉटल्स, सिगरेट्स, गुटखा, गुटके के पैकेट और सैनिटरी नैपकिन्स टॉयलेट्स में फेंकते रहते हैं। कुछ पैसेंजर्स को पता ही नहीं कि क्या चीज टॉयलेट में डालनी चाहिए और क्या चीज नहीं। दूसरे पैसेंजर्स कहते हैं कि ट्रेन्स में इतने डस्टबिन ही नहीं है, तो हम फेंके कहाँ ये सब चीजें। सबसे बुरी हालत है जनरल कंपार्टमेंट्स की, जहाँ लोग इतने भरे हुए हैं कि टॉयलेट्स को साफ करना मानो नामुमकिन है, और लोग रोक कर रख भी नहीं सकते क्योंकि ट्रेन्स ही इतनी स्लो चल रही हैं। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1-5 अपने निर्धारित समय से 2 घंटे 45 मिनट की देरी से चल रही है। सोशल मीडिया में जरूर आप सुपर फास्ट वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में पढ़ रहे होंगे, पर आपको शायद ये नहीं पता कि रेगुलर ट्रेन्स और धीरे चल रही हैं। यहाँ तक कि 1960s और 1970s में बेंगलुरु और चेन्नई या फिर चेन्नई टू कोयम्बटूर जाने के लिए समय कम लगता था आज के कंपैरिजन से। जहाँ पहले वृंदावन एक्सप्रेस 5 घंटे लगाती थी चेन्नई पहुँचने के लिए, आज 6 घंटे से ज्यादा लगते हैं। एक्सप्रेस ट्रेन्स उन ट्रेन्स को बुलाया जाता है
जहाँ इंडियन रेलवे के हिसाब से कम स्टॉप्स होते हैं, पर वो ट्रेन भी एक्सप्रेस नहीं रही। न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया कि जब शताब्दी एक्सप्रेस इंट्रोड्यूस हुई थी इंडियन रेलवे में, इसे कोवई और वृंदावन एक्सप्रेस और स्लो हो गई थी। वंदे भारत ट्रेन भी 180 किलोमीटर पर आवर जरूर जा सकती हैं, पर क्योंकि कई ट्रैक्स इतनी अच्छी नहीं है इसलिए उनकी टॉप स्पीड बस 130 किलोमीटर पर आ रही है। न्यू दिल्ली से वाराणसी का रूट सबसे तेज है, पर उधर भी एवरेज स्पीड बस 95 किलोमीटर पर आ रही है, और मोस्ट रूट्स में तो वंदे भारत की एवरेज स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर है। ऑन एवरेज वंदे भारत एक्सप्रेस बस 14% टाइम सेव कर रही है, पर उसके दाम 52% ज्यादा है दूसरे रूट्स के कंपैरिजन से। अब आप ये जरूर कह सकते हो कि ज्यादा पैसा बस जल्दी पहुंचने के लिए नहीं दिया जा रहा, बल्कि बेटर फैसिलिटीज के लिए भी दिया जा रहा है, पर ऐसा आर्गुमेंट दूसरी ट्रेन के लिए बोलना बहुत मुश्किल हो रहा है। 2007 में इंडियन रेलवे ने डिसाइड किया था कि वो ट्रेन जिनकी एवरेज स्पीड ब्रॉड गेज में 55 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा होगी और मीटर गेज में 45 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा, उनको सुपर फास्ट बुलाया जाएगा, और उस समय से ये नंबर्स अपडेट नहीं करे गए। अब ये छोड़ो कि जापान और यूरोप में कई ट्रेन की एवरेज स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर है, बल्कि 2022 में CAG की रिपोर्ट ने दिखाया कि 478 सुपरफास्ट ट्रेन में से 123 ट्रेन की स्पीड बेंचमार्क स्पीड से कम थी। CAG रिपोर्ट कहती है कि इंडियन रेलवे हर साल ट्रेन तो ऐड कर रही है, ऑन एवरेज इंडियन रेलवे 200 नई ट्रेन लाती है, पर ट्रैक को अपग्रेड नहीं किया जा रहा। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अश्वनी लोहानी ने खुद कहा कि नई पैसेंजर ट्रेन ऐड करने के बाद हमें टाइम ही नहीं मिलता इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन और अपग्रेड करने के लिए। पिछले 10 सालों में इंडियन रेलवे ने 2.5 लाख करोड़ रुपए जरूर खर्च करे इंफ्रास्ट्रक्चर में, और 2016 में मिशन रफ्तार भी लॉन्च किया ट्रेन को ज्यादा तेज बनाने के लिए, पर CAG की ऑडिट के हिसाब से ना ट्रेन ज्यादा तेज हुई है और ना ज्यादा पंक्चुअल। इन सभी प्रॉब्लम्स की जड़ बस एक चीज है जो आपको समझने की जरूरत है, कि इंडियन रेलवे के पास इतना पैसा नहीं है। CAG ने कहा कि इंडियन रेलवे की फाइनेंशियल कंडीशन एक कंसर्न जोन में आ गई है 2021 में, क्योंकि उनका ऑपरेटिंग रेशियो है 107%, जो उनके इतिहास में हाईएस्ट है। 107% के ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब क्या है कि 100 रुपए कमाने के लिए इंडियन रेलवे को 107 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अब सरकार का कहना है कि 2021 में इसलिए हुआ था क्योंकि कोविड की वजह से वो ज्यादा पैसा कमा नहीं पाए थे, पर डेटा ने दिखाया कि 2016 से ही ऑपरेटिंग रेशियो रेलवे का 100% से ज्यादा ही रहा है। इनफैक्ट 17 में से 9 जोन्स में ऑपरेटिंग रेशियो 100% से ज्यादा है। इसका मेन कारण है कि टिकट के दाम बहुत कम है। इंडियन रेलवे दो तरीके से पैसा कमाती है, गुड्स ट्रैफिक और पैसेंजर ट्रैफिक। पैसेंजर से जो इंडियन रेलवे पैसा कमाती है वो डिपेंड करता है कि उन्होंने कैसी टिकट बुक करी है। जैसे वो 21 पैसे पर किलोमीटर भी कमा सकती है रेगुलर सेकंड क्लास सीट्स के लिए, और 1.65 रुपए भी एयर कंडीशन कार सीट्स के लिए। शताब्दी में तो रेलवे 2.5 रुपए पर किलोमीटर भी कमा सकती है हर पैसेंजर से। ऑन एवरेज इंडियन रेलवे हर किलोमीटर के लिए 2 रुपए कमाती है हर पैसेंजर से, पर ये रेवेन्यू काफी नहीं है उनके डेली खर्चे जैसे फ्यूल और सैलरीज को कवर करने के लिए। सबसे बुरी हालत है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन की। 77-80% लॉस जो रेलवे का आता है नीति आयोग के हिसाब से, वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन से आता है। इन ट्रेन को ज्यादा फ्यूल, मेंटेनेंस और स्टाफ की जरूरत होती है, पर रेवेन्यूज इन जर्नीज में ज्यादा होता नहीं है। और पिछले 10 सालों में रेलवे के खर्चे की ग्रोथ ज्यादा हुई है उनकी इनकम की ग्रोथ से, क्योंकि रेलवे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रही है जहाँ खर्चा और हो रहा है। अब आप बोलोगे कि रेलवे अपने टिकट दाम क्यों नहीं बढ़ा सकती। इसके पीछे दो कारण है। पहला कारण है कि अगर वो AC कोचेस के दाम बढ़ा देंगे तो याद रहे कि रेलवे AC बसेस और चीप एयर ट्रैवल से भी कम्पीट कर रहे हैं। अगर उन्होंने दाम ज्यादा बढ़ा दिए तो हो सकता है कि लोग दूसरी बसेस या फिर एयरप्लेन लेने लग जाए। और अगर हम लोअर एंड की बात करें तो याद रहे कि मोस्ट पैसेंजर रेवेन्यू रेलवेज का सेकंड क्लास पैसेंजर से आता है। अगर उन्होंने दाम बढ़ा दिए तो बेचारा वो माइग्रेंट वर्कर जाएगा कहाँ। जब 2014 में रेलवे ने 33,000 करोड़ रुपए का लॉस किया था तो रेलवे ने कहा था कि ये इसलिए हुआ कि क्योंकि वो एक सोशल सर्विस कर रहे हैं। रेलवे का कहना है कि वो करोड़ों गरीब लोगों के लिए एक सब्सिडाइज तरीका दे रही है ट्रैवल करने का। उनका ये भी कहना है कि वो क्रॉस सब्सिडाइज कर रहे हैं, यानी कि वो माल गाड़ी के लिए ज्यादा रेट चार्ज करते हैं ताकि पैसेंजर्स को ज्यादा पैसे ना देने पड़े। पर इंडिया के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट्स की वजह से ये पैसा कमाना भी मुश्किल हो गया रेलवे के लिए। 1950 में 89% रेलवे ट्रैफिक गुड्स या फिर फ्रेट की वजह से था, पर 2020 में ये बस 27% हो गया। तो इंडियन रेलवे बहुत अजीब सिचुएशन में अटकी हुई है। उनका कहना है कि वो एक सोशल सर्विस दे रहे हैं देश में, और इसकी वजह से वो कोई प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे, जिसका अंजाम ये है कि इंडियन पैसेंजर्स को भी बुरी सर्विस और बुरे कैबिन्स मिल रहे हैं। अगर इंडियन रेलवे दाम भी बढ़ाना चाहे ना टिकट्स का, तो भी वो करेंगे नहीं, क्योंकि एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल प्रॉब्लम बन सकती है किसी भी सरकार के लिए।
इसलिए सरकारें बहुत अनोखे तरीके अपनाती है रेल के प्राइसेस बढ़ाने के लिए। वो एक ट्रेन को एक्सप्रेस स्टेटस से सुपर फास्ट का स्टेटस दे देते हैं। ये किया जा सकता है उनकी एवरेज स्पीड बढ़ाकर, स्टॉप्स कम करके, या फिर उन ट्रेन्स में ज्यादा पावरफुल इंजन्स डालकर। तो जब कोई ट्रेन सडनली एक्सप्रेस से सुपर फास्ट हो जाती है, सरकार कह देती है कि अब इस ट्रेन के टिकट के दाम बढ़ जाएंगे। दूसरा तरीका है जो अब हम देख रहे हैं, या स्लीपर क्लास के कोचेस हटा दिए जाते हैं और एसी क्लास के कोचेस डाल दिए जाते हैं। पर इस सभी चीजों से अनफॉर्चुनेट नुकसान होता है इंडिया के गरीब का, जो अभी भी ओवरक्राउडेड, बदबूदार और स्लो ट्रेन्स में ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता है नहीं। सुधांशु मणि, जिनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था वंदे भारत ट्रेन्स में, उन्होंने कहा कि हमें दोनों प्राइवेट और पब्लिक इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है हमारी ट्रेन्स को सुधारने के लिए, क्योंकि रेलवेज है तो एक पब्लिक गुड, पर वो कम्पीट कर रहे हैं बसेस से और एयरलाइन से जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं और जो जानते हैं कि एक धंधा करते कैसे, यानी कि कम पैसों में अच्छी सर्विस देना एक पैसेंजर को। पर रेलवेज के लिए करना इतना आसान नहीं है। अब रेलवेज ने जरूर प्राइवेट ट्रेन्स ट्राई करी थी, पर कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे लिखे गए इससे प्राइवेट प्लेयर्स का इतना फायदा नहीं हुआ, बल्कि रेलवेज का ज्यादा हो रहा था। इस वजह से कई कंपनीज इंटरेस्टेड ही नहीं थी ऐसी ट्रेन्स में। इसलिए सुधांशु कहते हैं कि हमें एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना होगा जिससे दोनों ही पार्टीज का फायदा हो, नहीं तो हमारा देश का गरीब ऐसी ट्रेन्स में ट्रैवल करता रहेगा जो ओवरक्राउडेड, बदबूदार और स्लो है। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। होपफुली नया साल आपके लिए कुशल मंगल रहे। अगर आप अपने आप में इन्वेस्ट करना चाहते हो और फ्रीलांस बनने का सोच रहे थे, तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा नए साल में। एक और दिन बचा है मेरे NY40 कूपन कोड का, तो उसको यूज़ करो एंड आई विल सी यू एट द कोर्स। बाय।